अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि ओवरऑल वर्ल्ड के 10 मोस्ट पॉपुलर बिजनेसमैन कौन थे। तो मैं आज उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा और उनके आपका नाम भी शो करवाऊंगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैं आज उसके सामने आपको नाम शो करवाना चाहता हूँ कि कौन से ऐसे ओवरऑल दुनिया में लोग थे जिन्होंने बहुत शोहरत हासिल की और बहुत बड़े बिजनेसमैन जी। तो ये 10 मोस्ट जिनके मैं आपको नाम शो करवाना चाहता हूँ, ये बहुत ही पॉपुलर और सनत पर इनका असर था और बहुत ही दुनिया में कामयाब होने वाले 3 शख्स हैं जो कि ओवरऑल वर्ल्ड में कामयाब हुए और इन्होंने अपनी काफ़ी शोहरत हासिल की और काफ़ी इनको पहचाना जाता है ओवरऑल कंट्रीज़ में। मेरे ये जो आपके सामने शोर है, इनका नाम है जॉन डी रॉकफेलर के नाम से इन्हें जाना जाता है। मायारी तेल के बानी हैं जो 19वीं सदी के आखिर में दुनिया के सबसे बड़े तेल साफ़ करने वाली कंपनी बन गए और इन्होंने काफ़ी शोहरत हासिल की तेल की कंपनी के हवाले से। और आप खुद भी अच्छी तरह जानते हैं कि तेल हर कंट्री में काफ़ी इस्तेमाल होने वाला चीज़ है और मतलब कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। तो वो और दूसरे नंबर पे ये आते हैं एंड्रयू कार्नेगी, सनतकार और इंसान दोस्त जिन्होंने कार्नेगी स्टील कंपनी की बुनियाद रखी जो मिलाकर US बन गई स्टील। आपके सामने है कि स्टील की कंपनी भी काफ़ी यूज़ होने वाली है, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ किया जाता है इसको, स्टील को। तो ये उनके बानी है और इनका नाम एंड्रयू कार्नेगी है। इन्होंने भी काफ़ी शोहरत हासिल की इस फील्ड में आके। और थर्ड नंबर पर आते हैं अनी फोर्ड, मोटर कंपनी के बानी और असेंबली लाइन मैन्युफैक्चरिंग के मल्क के खालिक, मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से इन्होंने काफ़ी शोहरत हासिल की। हेनरी फोर्ड ये थर्ड नंबर पे आते हैं टॉप 10 के बिजनेसमैन में से। नंबर 4 पे आते हैं बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी और पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री के इल्मदारों में से एक हैं। इन्होंने काफ़ी शोहरत हासिल की जैसा कि इन्होंने स्टीव जॉब्स की तरक्की और आईफोन आईपैड ज़ाती कंप्यूटर के पीछे एक मुहर्रक क़ुव्वत रखते हैं, मतलब कि इनका टेक्नोलॉजी में काफ़ी नाम था और इनको कामयाबी के राज भी काफ़ी बताए जाते हैं हमें मोटिवेट करने के लिए। और नंबर 5 पे आते हैं वॉरेन बफेट, इनका भी काफ़ी बिजनेसमैनों में से नाम है जो कि अमरीकी कारोबारी सरमायाकार और मकीर हजरात। स्टॉक मार्केट में भी इनका काफ़ी शोहरत हासिल रही है कि इन्होंने स्टॉक मार्केट में काफ़ी तरक्की हासिल किया और ये कामयाब हुए। तो इसमें तभी तो इसकी स्टॉक मार्केट के हवाले से हमारे दूसरी कंट्रीज़ में भी रुझान बढ़ा। और नंबर 6 पे आते हैं अमेज़ोन के मालिक जेफ़ बिजोस, जो कि इन्होंने भी काफ़ी शोहरत हासिल की ओवरऑल कंट्रीज़ में। अभी भी इनके प्लेटफॉर्म को काफ़ी यूज़ किया जा रहा है और लोग काफ़ी अर्निंग कर रहे हैं, अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं और इनका काफ़ी नाम बन चुका है ओवरऑल वर्ल्ड में भी। और इनकी नाम अमेज़ोन को काफ़ी शोहरत हासिल है। तो ये भी बहुत बिजनेसमैनों में से 10 मोस्ट बिजनेसमैनों में से शामिल हो गए हैं। नंबर 7 पे आते हैं मार्क ज़करबर्ग, फेसबुक के शरीक बानी और CEO, सबसे ज़्यादा बासर ओवरसी पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसको हम आम रूटीन में यूज़ करते रहते हैं उसका नाम फेसबुक, ये फेसबुक के बानी है। तो इन्होंने भी काफ़ी शोहरत हासिल की क्योंकि फेसबुक को डेली लाइफ में हर वक्त यूज़ किया जा रहा है। ये है एलोन मस्क, SpaceX के CEO, टेक्सला कारपोरेशन, दी बोरोंग कंपनी, नॉर्लॉन्ग सोलर सिटी के बानी जो सोलर सिस्टम को काफ़ी यूज़ किया जा रहा है। तो इनका भी काफ़ी नाम है इसमें सोलर सिस्टम में के सोलर के हवाले से। तो इन्होंने काफ़ी शोहरत हासिल की, ये भी 10 बिजनेसमैनों में इनका शुमार हुआ। और लास्ट में आते हैं इनका नाम है अकीव मोरिता, सोनी कॉर्पोरेशन के शरीक बानी जो दुनिया के सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में शुमार रहा और इन्होंने काफ़ी शोहरत हासिल की। उम्मीद है कि आपको 10 टॉप बिजनेसमैनों की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और आपको उसके बारे में थोड़ा नॉलेज भी हो गया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक